सियासी खबरों का मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 29 और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा को जीतने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जीतकर क्लीन स्वीप करने का जो प्लान है बीजेपी का, उसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार जोर लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, यहां पांडुना और सौसर में उनकी सभाएं होने जा रही है। न केवल मध्य प्रदेश का नेतृत्व बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी छिंदवाड़ा जीतने को लेकर एक अलग प्लान और एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा, छिंदवाड़ा में वो पहुंचेंगे, यहां पांडुना और सौसर में जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी और साथ ही जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो शुक्रवार को जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी थी और आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी समझ चुकी है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सीधे रुख करते हैं, अमित द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, 2014-2019 में जो सपना साकार नहीं हो सका, उस सपने को बीजेपी 2024 में साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और बीजेपी जानती है कि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा और इसीलिए तमाम रणनीति, तमाम प्रयास छिंदवाड़ा को जीतने के लिए किए भी जा रहे हैं। जय, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी हुई है। प्रदेश स्तर के नेता तो लगातार छिंदवाड़ा पर फोकस कर रहे हैं, अब केंद्रीय स्तर के नेता यानी कि केंद्र के नेताओं ने भी अब छिंदवाड़ा तरफ अपना रुख कर लिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा पहुंचे, बड़ी आम सभा को उन्होंने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का छिंदवाड़ा दौरा है, वो पांडुना क्षेत्र पहुंच रहे हैं जहां पर उन्होंने भी आम सभा का आयोजन किया है। आने वाली 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा प्रवास होने जा रहा है जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर से लेकर अब केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो है फोकस छिंदवाड़ा पे बनाई हुई है। इस बात से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जया कि छिंदवाड़ा जो है मिशन 29 में कितना महत्वपूर्ण जिला हो गया है, लोकसभा क्षेत्र हो गया है। लगातार बड़े नेता छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी दिखाई दे रहा है जी। यहां पर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय कैंप कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, उन्होंने डेरा डाला हुआ है। शानदार मैनेजमेंट हम इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कर रखा हुआ है, पूरी बागडोर अपने हाथ पे ले लिए। 15 दिन में 5वीं बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचते हैं। अब केंद्र के नेताओं का दौरा छिंदवाड़ा होने जा रहा है। जय, हम कह सकते हैं कि मिशन 29 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर, और वो दिखाई भी दे रहा है। अमित, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।